For a critical study of secondary growth in plants, which one of the following pairs is suitable? क्वेश्चन में पूछा है कि चारों ऑप्शंस में से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हम सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी कर सकते हैं. तो एज वी नो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है सेकेंडरी टिश्यूज का डेवलपमेंट. सेकेंडरी ग्रोथ मेनली प्रेजेंट होती है डाइकोट्स, रूट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म्स में. तो ओनली ऐसे प्लांट जो डाइकोट होंगे या फिर जिम्नोस्पर्म होंगे उन्हीं में क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी. तो अब हम ऑप्शंस में से देखते हैं कौन कौन डाइकोट और जिम्नोस्पर्म यहाँ पे हैं. फर्स्ट ऑप्शन है वीट एंड मैडन एंड फर्न. तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं, वीट है मोनोकोट और मैडन हेयर फर्न है इक्टेरिडोफाइटा. तो इन दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी. शुगर कैन एंड सनफ्लावर, ये भी है मोनोकोट, तो इनमें भी नहीं होगी. टीक एंड पाइन जो है, टीक जो इन दोनों में से जो टीक है ये तो है एक डाइकोट, एंड पाइनस जो होता है ये होता है एक जिम्नोस्पर्म. सो इन दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी, तो ये वाला ऑप्शन है राइट. फोर्थ ऑप्शन होगा देवदार एंड फर्न. इनमें भी देवदार जो है ये तो जिम्नोस्पर्म में इसमें तो हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ, बट फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी. तो ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. तो राइट ऑप्शन है थर्ड.